कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि चारों सीटों पर टिकट को लेकर कोई विरोधाभास नहीं है। कार्यकर्ता राहुल गांधी के निर्णय का सम्मान करते हुए एकजुट होकर कार्य करेंगे और चारों सीटें उनकी झोली में डालेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों के सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान राठौर ने कहा कि आज के सम्मेलन में मंडी में पार्टी की गुटबाजी को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में नई बोतल में पुरानी शराब परोसी है, मोदी राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कभी चाय वाला, कभी प्रधानमंत्री सेवक, तो कभी मैं चूं चौकीदार का नारा दे रहे हैं। इससे देश की जंग हसाई हो रही है। भाजपा धनबल से चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे। पंडित सुखराम की घर वापसी से कांग्रेस मजबूत हुई है। ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा भाजपा छोड़कर कब कांग्रेस में शामिल होंगे, ये उनके विवेक पर निर्भर है। राठौर ने बाद में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर पंडित सुखराम, पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, प्रकाश चौधरी, पूर्व सीपीएस सोहन लाल भी मौजूद रहे। पूरे प्रदेश का मैंने लगभग पूरा दौरा किया जन चेतना यात्रा के माध्यम से। हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां सक्रिय हुई हैं और एक हमारा सबसे अच्छा जो प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश में। और यहां मुझे लगता है कि कितने कितने बच्चे हैं, दो या तीन, दो विधानसभा क्षेत्र मंडी में बच्चे, बाकी प्रदेश में हमने लगभग पूरा कर लिया। इसमें शिमला में वर्कशॉप हुई थी, उसके बाद सारे विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जो हमारे बूथ तक के कार्यकर्ता है उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो हमारा संगठन जो है बिल्कुल सक्रिय है। हालांकि हम ये जानते हैं कि इस वक्त हमारा मुकाबला एक ऐसी पार्टी से जिनके पास धन बल है, लेकिन हम जन बल के सारे उस पार्टी को इन चुनावों में पास करने में सक्षम है। पूरे प्रदेश में जहां भी मैंने दौरा किया कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और हमने चार बेहतरीन उम्मीदवार जो है हमने उतारे। एक तरफ से हमने वरिष्ठा को तरजीह दी, श्री धनी राम शांडिल सबसे हमारे वरिष्ठ नेता है जिन्हें हमने शिमला संसदीय क्षेत्र में टिकट देखा। हम कांग्रेस पार्टी ने यह भी जताया कि हम अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जो है सम्मान करते हैं, इनकी तरह नहीं। दूसरा, हमने एक युवा साथी को टिकट देकर यह भी संदेश दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो है युवा आकांक्षाओं का जो है सम्मान करती है। दो प्रत्याशी जो हमने कांगड़ा में दिए और हमीरपुर में भी हमने पार्टी के वरिष्ठ नेता जो एनएसयू से लेकर युवा कांग्रेस से लेकर पार्टी में जिन्होंने लंबे समय तक कार्य किया उन्हें हमने पार्टी का जो है टिकट दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन चुनाव में जहां केंद्र सरकार की नाकामियां उजागर होगी और जैसा मैंने अभी इनका जो संकल्प पत्र था उसके कुछ मुद्दे मैंने वहां अपनी तकरीर में कहे, ये पुराने ये वही पुरानी शराब है जो नई बोतल में परोसी जा रही है।